सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेक्नो स्पार्क गो 2024 में FRP बाईपास कैसे करते हैं। यहाँ पर मॉडल देख सकते हैं BG6 है, लेकिन टेक्नो स्पार्क गो 2024 है। इसमें जो है गूगल अकाउंट मांग रहा है, तो क्या होता है गूगल अकाउंट मांगता कैसे? किसी बंदे ने मोबाइल को हार्ड रिसेट कर दिया, इसके बाद जो है इसमें ईमेल आईडी यानी गूगल अकाउंट मांगने लगा है, तो कैसे बाईपास करेंगे? तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। मोबाइल को नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पर कनेक्ट टू वाईफाई, यानी आपको दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके यहाँ पर हम वाईफाई अपना कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे वाईफाई का यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे अपने हॉटस्पॉट का। तो चलिए मैं अपने हॉटस्पॉट का यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ, आप भी दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपके सामने जो वाईफाई कनेक्ट किए रहेंगे उसके सामने यहाँ पर देखेंगे QR का ऑप्शन दिखेगा, आपको QR पर ऐसे क्लिक कर देना है। QR पर जब क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा नेवी का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर नेवी का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेवी पर ऐसे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, आपको टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। टर्न ऑन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे नीड हेल्प शेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। वीडियो को आप ध्यान से देखना, सिर्फ मैं आपको दो स्टेप में आपको 100% इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके दिखाऊंगा। तो चलिए आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत अंदर से मोटिवेट हो मिलता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा 3 डॉट, आपको 3 डॉट पर ऐसे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा शेयर आर्टिकल, आपको शेयर आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा गूगल का ऑप्शन, आपको गूगल पर ऐसे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे यूज विदाउट गूगल अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको इस एरो पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। आपका एक स्टेप फॉलो हो चुका है और आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पर दिखेंगे माइक का ऑप्शन दिखेगा, माइक के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बोल देना है ओपन सेटिंग। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ओपन सेटिंग। ओपन सेटिंग, ठीक है, देख सकते हैं मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन करके दिखा दिया। और मॉडल देख सकते हैं टेक्नो स्पार्क गो 2024 मॉडल है इसका, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको चले जाना है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्पेशल फंक्शन, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आपको स्पेशल फंक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एसेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है, एसेसिबिलिटी मेनू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इसको ऑन कर लेना है, यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर देखेंगे एक फीचर आ चुका है, अब आपको यहाँ पर गो इट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक करना है, एक बार और बैक करना है, एक बार और बैक करना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऐप मैनेजमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद ऐप लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे एंड्रॉयड सेटअप दिख रहा है तीसरे नंबर पर, आपको इस पर क्लिक करके इसके बाद आपको यहाँ से फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक करेंगे, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है नीचे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा गूगल प्ले सर्विस, आपको गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन दिखेगा, आपको डिसेबल कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपको फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से आप काम खत्म, एक स्टेप और फॉलो करना है, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ से पूरा सब टोटल आपको यहाँ से अब बैक कर देना है, टोटल आपको बैक करके फिर से आपको इस पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर दोबारा आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा नेक्स्ट करना है। इसके बाद जो आपकी वाईफाई कनेक्ट रहेगी इसको आपको यहाँ से फारगेट कर देना है, यहाँ से देखेंगे फारगेट का ऑप्शन देखिएगा, आपको फारगेट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से एक बार बैक करेंगे, एक बार और बैक करेंगे। अब इसके बाद दोबारा आपको फिर से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना, स्किप करना है। इसके बाद आपको जो वाईफाई है आपको अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल के फिर से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल करके यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है।
दोबारा आपको इस बॉक्स को टिक करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जब नेक्स्ट हो जाएगी इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे अभी डोंट कॉपी का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है। आपको मैं और बता देता हूँ आगे आगे चल रही मोबाइल, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। थोड़ी देर इसमें वेट करेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब के लिए हम वीडियो बनाते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, एक स्टेप और यहाँ पर कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको एक क्लिक और करना है, इसके बाद आपका बाईपास हो जाएगा। ये जो स्टेप मैं आपको फॉलो करा रहा हूँ ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका गूगल अकाउंट बाईपास होगा। ठीक है, इसमें आपको वेट करना है, थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर चेकिंग इन्फो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो बताया था डोंट कॉपी का ऑप्शन, यहाँ पर देखेंगे डोंट कॉपी का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, डोंट कॉपी पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद देखेंगे यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट हो रहा है। अब ये जो है मोबाइल अब आपकी आगे नहीं जाएगी। अब आपको इसको आगे कैसे ले चलना है आप ध्यान से देखिए। आपको जो थ्री डॉट दिख रहा है आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसके बाद जो असिस्टेंट दिख रहा है आपको असिस्टेंट पर आपको क्लिक करना है। आपको तीन से चार बार में भी एक ऑप्शन आएगा या तो 10 से 15 बार में एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन कौन सा है आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं जैसे करूँगा आपको वैसे से करना है, मैं असिस्टेंट पर क्लिक करूँगा, इसके बाद थ्री डॉट पर, इसके बाद इस पर क्लिक करूँगा, इसके बाद आपको यहाँ पर असिस्टेंट पर दोबारा यहाँ से क्लिक कर देंगे, आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी मैं एक ऑप्शन आएगा वही मैं आपको बताऊंगा, वो आपको अपने मोबाइल में ऑप्शन को लाना है, ऐसे आपको बारी बारी से करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जैसे मैं किया वैसे आपको यहाँ पर करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। किसी किसी मोबाइल में इतना जल्दी आ जाता है, किसी किसी मोबाइल में 10 से 15 बार भी करना पड़ता है। तो उतना करने के बाद आपको जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद असिस्टेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके यहाँ पर जो एक्सेप्ट का ऑप्शन आया था उस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। इतना आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे थैंक्स ऑफ सर्विस दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको होम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको होम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस को हम डिसेबल किए थे आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर स्टोरेज चेस पर आपको क्लिक करके इसको क्लियर डाटा कर देंगे, एक बार बैक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करेंगे इसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है, आराम आराम से बैक करेंगे, एक बार और बैक करना है, एक बार और बैक करेंगे। इसके बाद जो चेकिंग इन्फो हो रहा था देखेंगे आपकी मोबाइल जहाँ पर देख सकते हैं आगे हो चुकी है। इसके बाद आपका जो गूगल अकाउंट लगा रहेगा वो 100% बाईपास हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको और आगे दिखाते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना है, इसके बाद आपको इसे गूगल पर ऐसे क्लिक करके आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद दोबारा आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे इसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर और वेट करना पड़ेगा, इसके बाद आपको स्किप कर देना है, ओके कर देना है, स्किप करना है, स्किप करना है, इसको थोड़ी देर और यहाँ पर वेट करेंगे, इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने देख सकते हैं 100% में गूगल अकाउंट बाईपास करके दिखाया। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, मेहनत बहुत लगती है।